ये कुछ है अनलिमिटेड थाली इनका जो हम आपको दिखाने लाए हैं। ठीक दिख रहे हैं? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ अलग होने वाला है। रांची में बैठे बैठे आपको हम लोग घुमाने वाले हैं कहीं और। कहाँ? तो खाने के जरिए ही हम आपको वहाँ ले जाएंगे, बस जस्ट बगल में। और कितने बगल पता है? राजस्थान की जगह पे। ठीक है, तो आज वहाँ की थाली का आपको टेस्ट दिखाएंगे। एंड दिस थाली इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड थाली। तो ये हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। और कहाँ? तो आज हम लोग हैं श्री कृष्णा पे, जो कि पीताम्बर स्ट्रीट पे खुला हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड फ्लोर था ना अभी? हाँ, तो सेकंड फ्लोर पे आप आ जाना और अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है आपको वो भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, देर बाय आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेलकम, जैसे हम लोग लिखते हैं ना डोर हैंगिंग पे वेलकम एंड ऑल। यहाँ पे पधारो सा, सिनेमा में बहुत सारे जो फिल्म वगैरह हैं सब में देखा होगा, उसमें एंडिंग में सा वर्ड का यूज़ किया जाता है। आई डोंट नो व्हाट फॉर, बट अगर आप एक राजस्थानी है या फिर आप एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको पता होगा। तो आपको पता होगा तो कमेंट्स में आप हेल्प करें और हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा इसके थ्रू। तो हमारे भारत में पगड़ी को एज अ बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनर दिया जाता है एंड काफ़ी जगह ये एडजस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। एंड दैट्स द थिंग यू आर सीइंग। और इनके प्रिंटिंग वगैरह भी थोड़ा सा वैसा ही सा है जैसा कि राजस्थानी स्टाइल में जितना देखने को मिलता है। राइट, फिलहाल इस एरिया में इनका मेन डाइनिंग काउंटर है, तो आप यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड एक जगह और है जहाँ पर मैं आपको ले जाऊँगा, जहाँ पर आपको फुल ऑन राजस्थानी वाइब्स मिलने वाली है। तो वी विल गो देयर एंड आपको दिखाएंगे। ओके, खाने पे थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे, अभी कुछ मीठा मीठा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा ना, चलिए उस ओर आपको ले चलते हैं। केसरिया बाल में थे आओ ने पधारो मारे देश में, केसरिया बाल में थे आओ ने पधारो हमारे देश में। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, मारो रस भरियो
प्यारो राजसितान, ओ केसरिया वालम आओ पधारो मारे दे, केसरिया वालम आओ नी पधारो मारे दे। साजन साजनी में कहूं तो साजन है जीव जड़ी, साजन चुड़ल पे लिखाऊं पांचू घड़ी, पिया प्यारी राढोला थे आओ ने पधारो मारे। तो इतना मधुर संगीत आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, आई होप सो, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। फिलहाल इनके वेशभूषा से मुझे तो लग रहा है कि ये लोग प्रॉपरली राजस्थानी है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, एक गुफ्तगु छोटी सी। तो आप लोग के पहनावे से लग रहा है आप लोग प्रॉपरली मतलब कि उसी ओर से आते हैं, राजस्थान से? राजस्थान से, झुंझुनू जिला राजस्थान। अच्छा, ऐसे तो संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं पता है, बट आपका संगीत काफ़ी अच्छा लगा और आवाज़ में भी काफ़ी बुलंदी है, काफ़ी अच्छा लगा। स्थान से तुम्हारा कोई जुड़ाव है, कभी गया है घूमने एक बार? नहीं, बस थोड़ा, हम बस एक बार गंगोर घाट का थोड़ा बहुत आरती देखे हैं, मतलब जाके ही सही, काफ़ी अच्छा था वहाँ का। गंगोर घाट तो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, हाँ, कोटा बूंदी भी दूर है, हम तो स्टार्टिंग में राजस्थान है, और राजस्थान का जो ये है हमारा साज, ये तो बहुत फेमस है, विदेश को भी घेर रखे। इसको क्या बोलते हैं अगर आप लोग? रावण था। हाँ, रावण था। गिटार फेल है भाई। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सो इस जगह से जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइवेट केबिन भी है डाइनिंग का, दैट्स द ब्यूटीफुल वेरी ऑन केबिन। तो ये कुछ एरिया है, और अभी हम लोग आपको नेक्स्ट में वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना राजस्थानी मील प्रॉपरली इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना, पूरी पूरी आपको वाइब मिल रही होगी वो राज रजवाड़ा वाला, जो मतलब कि भाई पूरा एम्बियंस का पैसा वसूल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो वहाँ की पेंटिंग्स भी सारी की वाइब्स लगभग से वही वही है, राइट। और जैसा आप सिटिंग एरिया अगर आप देखना चाहेंगे तो पिलोज, अगर वैसे आप मुझे बताइए आपको ये शेप के पिलोज याद हैं या नहीं, क्योंकि ये पहले चला करते थे और यही हुआ करता था इनका शेप। वो आजकल के जो पिलो के कल्चर है वो थोड़ा अलग है। और साथ में ये जो मेज़ है जिसे आप देख रहे होंगे, सब पर थाली लगी हुई है, तो ये थाल जो है पहले से यहाँ पे सजा के रखे गए हैं ताकि आप भी आएँ तो आपको भी देखने को, मतलब आँख को सुकून करने का कुछ मौका मिले। फिलहाल ये थाली यहाँ पे भरी जाएंगी, जो कि अनलिमिटेड थाली का इनका कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। और बाकी सारा कुछ हम लोग को उस ओर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे आपको शो करेंगे, और ये वाइब भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो थाल आप देख रहे हैं ना, वैसे तो हमारा थाल जो खाने के साथ आने वाला है वो आ रहा है, बट मुझसे रुका नहीं गया और मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो सारे पीतल के ही थाल हैं और इसके अकेले का वजन इतना है जितना दिन भर में पूरा नहीं खाते होंगे, राइट। तो खैर, और यहाँ पे भी अगर आप इसके देखेंगे, पानी पीने के लिए भी जो इनका क्या बोल दूँ, गिलास बोल दूँ, नहीं गिलास नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो हटाओ, अगर कोई टेक्निकल टर्म्स में मुझे गलती हो रही होगी तो मुझे माफ़ करना, राइट। तो ये भी सेम मटेरियल का है और सच बता रहा हूँ काफ़ी रॉयल फील है, बोलूँ सिटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है भाई। वो जो ज़मीन में बैठना होता है ना, ये जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है पूरा पूरा, अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि भाई कल्चर बचाने का किसी भी तरीके से कोशिश किया जा रहा है और उसको आगे चलाने की कोशिश किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, राजस्थान में आप कहाँ कहाँ गए हुए हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे, और अगर आप अपना स्टोरी भी शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो ये मुझे वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया है, ये शरबत है, ठीक है। आजकल के वर्जिन मोहितो और ये सारे चीज़ों के बीच में हमारा शरबत आज भी जिंदा है,
सो अभी जस्ट जो आपने देखा हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, पहले राजा रजवाड़ों में आपने काफ़ी देखा होगा सिनेमाज में कि एक अलग से यूटेंसिल वगैरह था जिसमें हाथ धोते थे राजा रजवाड़े लोग, तो ये ऐसा ही कुछ सा सिस्टम था। अभी ना हम लोग बेसिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं वहाँ पे, बट ये पहले का ट्रेडिशन हुआ करता था। और साथ में एक टॉवल दिया जाता था डैप करने के लिए, जहाँ पे आप अपने हाथ सुखा सकते थे। तो इस प्लेटर में, मतलब कि जो हमारा जो अनलिमिटेड थाली था, उसमें पहले स्टार्टर्स भी आते हैं। और स्टार्टर्स में ये आप देख रहे हैं पनीर टिक्का है, पनीर इनका काफ़ी सॉफ्ट है, और थोड़ा सा डिप ऊपर से लेते हैं। ये इनकी ग्रीन चटनी है एस्ट्रेलस। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे पनीर टिक्का अभी तक खाए हैं, ठीक है, बट इनकी मैरिनेशन सबसे मसालेदार है, ठीक है, मतलब क्या बोलूँ, एकदम चटपटा, राइट। और सबसे इसमें एक स्ट्रॉन्ग हिट है मस्टर्ड ऑयल का, जो कि बोल रहा है अच्छे से इसमें, मतलब जो भी इसका पहला बाइट लेगा उसका काफ़ी अच्छा, उसका स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आएगा उसको। और पनीर टिक्के के साथ साथ हमें मिला हुआ है यहाँ हरा भरा कबाब, और हरा भरा कबाब हमने काफ़ी जगह ट्राई किए हैं, इनके भी यहाँ पे ट्राई करते हैं कि स्टार्टर्स में इनका टेस्ट कैसा है। मोरोवर ये हरा भरा कबाब में आपको जनरली डाला जाता है जो पालक का प्यूरे होता है, उसको यूज़ किया जाता है, और साथ में एक अच्छी फीलिंग दी जाती है, और वेजीज वगैरह के साथ जो उसका प्यूरे वगैरह है जो कि मिक्स किया जाता है। पालक का फ्लेवर मोरोवर काफ़ी ब्लेंड होता है, तो हर कुछ को अपने अंदर इंटेक कर लेता है। फिलहाल इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एंड मोरोवर अंदर से जो माइल्डली सॉल्टी एंड क्रीमी सा टेस्ट है। तो ये कुछ है अनलिमिटेड थाली इनका जो हम आपको दिखाने लाए हैं। और चलिए पहले तो ब्रेड्स बता देते हैं। तो ये है इनकी मिस्सी रोटी, और साथ में यहाँ पे इनका कुलचा, मसाला कुलचा, एंड साथ में ये तंदूरी रोटी। क्या क्या है जो मुझे समझ में आता है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो ये देखो, चूरमा, बाटी, और ये आपका दाल, फिर ये आपका केसर खीर, और ये है इनका वेज पुलाव, साथ में है कढ़ी आई गेस, ठीक है, पकौड़े वाली कढ़ी है, और रायता, सैलेड्स है, साथ में ये दाल मखनी मुझे लग रही है, और ये स्पेशली यहाँ पे कुछ अलग से जो भी है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये इनकी खिचड़ी भी है, ठीक है, ये पनीर बटर मसाला होना चाहिए, आई होप सो, और ये जीरा आलू वेज जाल फरीजी है, और साथ में ये कौन से, ओके, गट्टे की सब्जी। तो शुरुआत क्या से किया जाए दी भाई, बताओ। रोटी और अब खिचड़ी उठाए थे तो इसको ही लगा लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, और बोलो ना तो दाल प्रॉपरली अच्छे तरीके से पक के घुल चुकी है, इसमें एक अच्छा फ्रेशनेस आ रहा है इसमें, जो कोरिएंडर वगैरह ऊपर से डाला गया है उसका, एंड साथ में एक जो गार्लिकी नोट होता है ना इसमें, जैसे जो छौंक दिया जाता है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसमें। दाल बाटी चूरमा पे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है सुनने में, क्योंकि काफ़ी बार हमने सुना हुआ है बट कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। और बोलूँ तो ये सब में सबसे ऑथेंटिक जो होना चाहिए वो बेसिकली यही है। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये एक कंप्लीट मील की तरह है, ये आपका कार्ब्स के लिए हो जाएगा, ये आपका प्रोटीन हो जाएगा, एंड व्हाट दिस चूरमा इज, पता नहीं, अच्छा चूरमा ट्राई करते हैं, वाह काफ़ी क्रंची है। चलो तो ये हम लोग बाटी तोड़ते हैं। मैंने सुना है बाटी को इसमें तोड़ा जाता है, फिर ऊपर से दाल डाली जाती है, और साथ में चूरमा, तीनों को साथ में खाया जाता है। तो ये इनकी दाल ऊपर से घी तैरते हुए, भाई साहब
चूरमा शायद सूजी को होगा। चलो भाई एक बाइट बनाते हैं, ट्राई करते हैं। राजस्थान वालों, हम लोग आपसे बहुत दूर भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा मिलता है जो कि इसी तरीके का है, हमारा लिट्टी चोखा। क्या दी? खैर, इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है और दालों का टेस्ट आ रहा है, और बाटी जो है आपका फ्राइड है, तो ये आपका फ्राइड होता है, तो ये मोर ओवर अंदर से बहुत ही प्लेन है। इसमें जो है कि जिसमें छाना गया है, तो मोर ओवर घी में छाना गया होगा, तो उसका टेस्ट आ रहा है अच्छा से। और एक जो फ्राइड डो होता है उसमें से जो टेस्ट उभर के आता है, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है। बाकी बात ये जो चूरमा है, ये एक बाइट इसमें प्रोवाइड कर रहा है, जो क्रंची बाइट होगा ना वो इसमें आ रहा है उसके वजह से। तो दाल बाटी चूरमा के बाद बढ़ते हैं उन चीज़ों पे, ठीक है, जो कि हम लोग एक बार और हाथ गंदा करने पे काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद सीधे ब्रेड्स पे बढ़ेंगे, ताकि बाकी सब्जियों जो भी हैं उनका टेस्ट हम लोग ले सकें। तो पहले इनका पुलाव ट्राई करते हैं। भाई ऑफ सीज़न में बढ़िया से मटर मिल रहा है, इसमें तो भर भर के। चल, लॉन्ग ग्रेन राइस है इसमें, फ्राइड ऑनियन की वजह से एक अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, और मोर ओवर एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इसमें ग्लेज है, जिसकी वजह से फ्लेवर्स मुंह में, मतलब जीभ के अराउंड कोट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड खाने के बाद जो बीच बीच में थोड़ा सा मटर का बाइट आ रहा है ना, स्लाइटली स्वीट लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है वो चीज़। चलो तो अब बढ़ते हैं ब्रेड्स पे और एक एक सब्जी लाइन से ट्राई किया जाएगा। तो किसे बढ़ा जाए, गट्टे की सब्जी के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं गट्टा होता क्या है। एक्चुअली जो बेसन होता है उसका एक टफ डो क्रिएट किया जाता है, एंड देन आफ्टर उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में बॉईल दिया जाता है, उसके बाद इसकी एक सब्जी बनाई जाती है। मोर ओवर मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा सकूँ, ये अगर आप देखना चाहें, ठीक है, ये सेमी सर्क्यूलर पीसेस होते हैं, राइट, गट्टे के। चलो इसको ट्राई किया जाए। भाई पूरा रॉयल फील आ रहा है, क्यों इसलिए बोल रहे ना, देखो हाथ मेरा पूरा चमक रहा है, घी है, मतलब लग रहा है कहीं का छोटा छोटा प्रांत हमको मिल जाने चाहिए, क्या बोलता है, मिल जाएगा। कढ़ी पकौड़े इस पे बढ़ते हैं। तो ये पकौड़े इनके काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं, बाहर तक में ये आधा डिप्ड है और आधा बाहर है, बढ़िया। पकौड़ों का अंदर से अगर आप टेक्सचर देखना चाहें तो अगर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से फ्राई किया गया है और बाहर से काफ़ी क्रिस्प कोटेड है। कढ़ी का टेक्सचर आप चेक करिए। चलो पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात किया जाएगा इस पर। कढ़ी बेसिकली दही और बेसन का एक पतला सा घोल बना करके उसे काढ़ा जाता है, एंड देन आफ्टर एक अच्छी सी ग्रेवी बन के रेडी हो जाती है, जिसको हम लोग कढ़ी लेते हैं, और इसमें साथ में पकौड़े भी ऐड किए जाते हैं। वैसे मुझे पर्सनली अपने कढ़ी में पकौड़े अच्छे लगते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है आप जरूर बता सकते हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं दाल मखनी के ऊपर। दाल मखनी में ऊपर से घी बढ़िया से डला हुआ है, एंड देन आफ्टर एक क्रीम की प्रेजेंटेशन है। चलो तो इस पर डिप किया जाए अंदर घी। लेट्स ट्राई। क्रीम वाला वाइट ना, लिटरली मजा आ गया। घी लिटरली ऊपर से जो आ रहा है उसके ऊपर से फ्लेवर जो है दाल मखनी का बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, एंड देयर आफ्टर दालें जो है बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। मोरोवर जो बोलते हैं ना, एक पेस्टी कंसिस्टेंसी तक इसे पकाया जाता है, जो कि अच्छा क्या बोलूँ, मैशी एकदम से हो जाता है, बिल्कुल उस लेवल तक का टेस्ट है। तो ये रोटी के टुकड़े के हम लोग तीन हिस्से करेंगे, और अब बचे हुए तीन हिस्से पर हम लोग इसका हाथ मारेंगे।
तो ये है आपका पनीर बटर मसाला, जीरा आलू और वेज झाल फ्रेज़ी। वेज झाल फ्रेज़ी में भी मुझे शायद मटर लग रहे हैं, हाँ मटर है साथ में, स्वीट कॉर्न। अच्छा रुको, अकेले अकेले नहीं देखना चाहिए। ओके तो एक बार, हाँ ये देखो स्वीट कॉर्न है, शिमला मिर्च है और गाजर वगैरह लग रहा है, मशरूम है, मटर है, सब कुछ है। तो पहली बार वेज झाल फ्रेज़ी में इतना ज़्यादा वेज, तो भाई लगभग सभी सब्जियां डाल दी गई हैं जो कि मोस्टली लोग खाना पसंद करते हैं, राइट। चलो भाई बाइट बाइट में दम, लेट्स ट्राई। आँख बंद करके हम बाइट बनाए थे कि भाई कौन सा सब्जी मुँह में आता है देखते हैं। मेरे मुँह पे पड़ी फूलगोभी और मशरूम, बताओ अलग ही कॉम्बिनेशन जाके बैठा है। एक लटपटा सब्जी जो होता है ना उस तरीके से ये टेस्ट कर रहा है और काफ़ी मसालेदार है साथ में। अब बस लास्ट पनीर बटर मसाला पे बढ़ते हैं। चलो भाई थोड़ा सा क्रीम वाली बाइट, राइट। ये देखो, देखो ग्रेवी के रंग से तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये अच्छा होना चाहिए। चलो तो तंदूरी रोटी तो गई, अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। मिस्सी रोटी भी देख लेना चाहिए कैसा होता है। बाय द वे ये काफ़ी क्रिस्प है तो ट्राई किया जाए। जीरा आलू का साथ, जीरा आलू का एक वर्जन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ, ये थोड़ा सा माइल्ड मुझे लग रहा है। देर आफ्टर मुझे जो वर्जन पसंद है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ मसालेदार होता है। जीरे के फ्लेवर के साथ यहाँ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया गया और शायद इसलिए भी मसाला नहीं डाला गया कुछ ऐसा एक्सटेंसिव जो कि मैं रिक्वायर कर रहा था। इसमें जो जीरे का फ्लेवर है ना आप आलू पे फील कर सकते हैं और आपको डिफाइन हो सकता है वो सारी चीज़ें। तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इस पूरे थाली को खीर के ऊपर और लास्टली, क्योंकि हमको नहीं लगता है कुछ बचा है। ओ रायता बचा है, क्या करें, पहले रायता लावा रायता नहीं, सिर्फ रायता लेंगे, लावा रायता नहीं। रायता लेने का फ़ायदा पैलेट क्लीन हो गया। चलो अब खीर का टेस्ट आएगा। ये थोड़ा पीले के रंग में लग रहा है, मुझे लग रहा है ये केसर खीर है। लेट्स ट्राई। ओके बहुत क्रीमी है। आई डोंट नो कि किस लेवल तक काढ़ा गया दूध को, बट बहुत ज़्यादा क्रीमी है ये खीर, राइट। और केसर का जो फ्लेवर है ना उठ के इतना खुशबूदार बोली बोल रहा है, मतलब कि अंदर नोस्ट्रिल्स तक ये पूरा पूरा केसर का हिट आ रहा है। तो मोर ओवर थाली में सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा यूनिक लगा वो था ये दाल बाटी चूरमा, और कुछ अलग था बट करीब करीब ये टेस्ट मुझे लगा कि बहुत ऐसा अनजान भी नहीं है, राइट। और साथ में मैं केसर खीर को भाई अलग लेवल में नंबर दूंगा, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। साथ में भाई इतना सारा सब्जी में किसको जिताया जाए, छोड़ो ये सवाल आपके ऊपर रहने देते हैं, ठीक है। आप आओगे आप डिसाइड करके बताना और यहाँ कमेंट में डाल देना कि भाई आपको कौन सी सब्जी सबसे बेस्ट लगी। फिलहाल मेरे लिए सब कुछ ही बहुत बेहतर था और ओवरऑल टेस्ट मेरे हिसाब से ये जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से फिट बैठती है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो ना तो कुल मिला के जैसे वेजिटेरियन को बोला जाता है ना अपने ग्रुप सर्कल में कि भाई तुम क्या वेजिटेरियन बन के रह गया है, कुछ तो मिलता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, तो भाई ये चीज़ें दिखाओ उनको कि आपको क्या कुछ टेस्ट ऑफर हो सकता है, ठीक है।
तो आपके तो आपको एक जवाब मिल गया है अपनी ओर से रखने के लिए, तो अभी हम लोग इसे फिनिश कर लेते हैं राइट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो व्हाट्स माय ओवरऑल रिव्यू अबाउट द श्री कृष्णा, ठीक है? तो वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने लाया है, एंड प्रॉपरली जो भी टेस्ट किया मैंने वो काफ़ी अच्छा लगा, और कोई भी वेजिटेरियन होगा उसको एक टेस्ट डिसेंट मिलेगा ही, सारा कुछ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। एंड मेरे लिए सच बोलूँ ना तो एक थाली मोर देन फीलिंग है, मतलब कि भाई हमको ये भी डाउट लगता है कि उसमें कोई और एड ऑन लेकर के भी बोलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ और एक्स्ट्रा ले आओ, वो एक थाली फुल में ही कंप्लीट है, मतलब अनलिमिटेड तो है ही, ठीक है, बट स्टिल वो अनलिमिटेड होने के अलावा भी बता रहा हूँ, अब एक और चीज़ एक्स्ट्रा मंगा पाओ कि नहीं मैं वो भी सोच रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। गलत बोल रहे हैं आदि हम भाई, बस वही पूरा फीलिंग है राइट। तो अगर आप इस प्राइस के हिसाब से आप ये एक्सपीरियंस एंड डाइनिंग बोलोगे तो मेरे हिसाब से वर्थ जा रहा है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा ही राजस्थानी वाइब मिलेगा, एंड मुझे सारा ये चीज़ पता है। सो होप यू गाइस एंजॉय टुडेज़ वीडियो, और आपको अच्छा लगा होगा ये राजस्थानी वाइब्स जो हमने आपको दिया है अपने शहर में ही राइट। तो मिलते हैं आपसे किसी और अदर वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।